people, welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about bad body fat. Yes guys, अगर आपने notice किया होगा कि कुछ ladies के, specially ladies के, boys के तो बहुत rare होता है, I don't think so कि होता भी है, but बहुत rare होते हैं जो कुछ ज़्यादा fatty हो थोड़े होते हैं, पर most of the girls को ये problem face करनी पड़ती है कि उनका जो बैक साइड होता है उसमें जो बॉडी फैट होता है ना, वो जो विजिबल होता है, जो वो लटक जाता है, वो बहुत ही गंदा लगता है. और अगर आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैक बॉडी फैट आप ना अच्छे नहीं लगते और देखने में बहुत बेकार भी लगता है अगर आपने नोटिस किया होगा तो. यस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से उस बैक बॉडी फैट को रिड्यूस कर सकते हैं. सिंपल सी एक्सरसाइज है, डेली रूटीन में अगर आप ऐड करते हैं और आप कंटिन्यू 3 months to 6 months करते हैं. गाइस लेट मी क्लियर वन थिंग, जो लोग बोलते हैं कि 1 week में आपका हम रिड्यूस कर देंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू या हम यू नो विद इन मंथ ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो आई एम सॉरी कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है इतने सालों से अगर जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आई डोंट थिंक सो कि वो चले जाएगी. तो यस, इसलिए मैं टाइम दे रही हूँ कि मिनिमम 3 months to 6 months आपको लगेगा आपके बॉडी बैक फैट को रिड्यूस करने में. तो एक्सरसाइज सिंपल है और ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता कि वो अच्छा दिखे. आप अच्छे दिखते हो और आपकी पर्सनालिटी में से वेट प्रॉब्लम है तो उसको रिड्यूस कीजिए, क्योंकि वो जब हम कुछ भी जैसे अगर हम लहंगा पहन रहे हैं, कोई भी चोली पहन रहे हैं या ब्लाउज पहन रहे हैं या कुछ भी पहना होता है, कुछ ऐसा क्रॉप टॉप पहना होता है, जब वो विजिबल होता है तो अच्छा नहीं लगता है. मैं कुछ आपको ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ वो जो बहुत ज्यादा सिंपल है, बट सिंपल के साथ आपको प्रॉफिट उसका प्रॉपर देगी, बेनिफिट प्रॉपर मिलेगा, आपका जो बैक का बॉडी फैट है वो रिड्यूस होगा. तो यस, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है. सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो वो 30 सेकंड की होनी चाहिए एंड उसको रिपीटेडली आपको 3 बार करना है. लेट सपोज अगर मैंने कोई एक्सरसाइज आपको बताई है तो आपको ये 30 सेकंड के लिए टाइमर के साथ लगाना है और ये करनी है, और इसको आपको एक बार आपने किया 30 सेकंड के लिए, देन आप 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, देन अगेन आप रिपीट करेंगे. तो एक एक्सरसाइज आपको 3 times करनी है और 10-10 सेकंड का आपको बीच में गैप लेना है रेस्ट करने के लिए. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी आपको बैक साइड से ऐसे बैठना है एकदम स्ट्रेट. ओके, स्ट्रेट बैठने के बाद आपको अपने आर्म्स को स्लोली स्लोली पीछे ऐसे करना है. आर्म को पीछे करेंगे हम, जितना आप बैक साइड में ले जा सकते हैं उतना करेंगे. फिर इसी एक्सरसाइज को आप 3 times रिपीट करेंगे. बोथ हैंड विल गो बैक साइड. सेकेंड एक्सरसाइज आपकी होगी अपने हैंड्स को ऐसे रखना है बैक साइड में, आपको बैक साइड से भी दिखा दूंगी. तो ऐसे करना है, अब यही मैं आपको बैक साइड से भी करके दिखा देती हूँ. पीछे की तरफ पुल करना है. थर्ड एक्सरसाइज विल बी ट्राई टू क्लैप बैक साइड. तो मैं आपको बैक साइड से भी करके दिखा देती हूँ. आपको लाइट डाउन होना है स्टमक पर और अपने लेटने के बाद अपने शोल्डर्स को बैक साइड आपको लेके जाना है. मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर की तरफ पुल गन. इस तरह से आपको करना है और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको यहीं पर ही इसी तरह से करना है, इस तरह से लाइक हाफ पुशअप. नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह से आपको जितना बैक जा सकते हो उतना बैक साइड आपको जाना है. तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी भी एक्सरसाइज है आपको अपने हैंड्स का यूज करना है मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में, ठीक की तरफ आपके हैंड्स को लेके जाना है जितने भी एक्सरसाइज है, क्योंकि बॉडी
का जो फैट है आपके वो बैक साइड है वो यहाँ पर है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको जितने एक्सरसाइज है, लाइक अगर आप हैंड्स मूवमेंट सबसे ज्यादा करते हैं, हैंड्स मूवमेंट आपकी ज्यादा होगी तभी आपका बैक का जो फैट है वो रिड्यूस होगा। सो ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको 30 सेकंड के लिए करनी है, 3 टाइम करना है, रिपीट करना है 3 टाइम और 10 सेकंड का आपको ब्रेक लेना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी यू हैव टू ओपन योर लेग्स एंड वन हैंड इज अप, गो स्लोली राइट साइड स्लोली स्लोली, जितना आप जा सकते हो बैंड उतना आपको नीचे जाना है। देन सेम विद द राइट हैंड, गो लेफ्ट साइड स्लोली स्लोली, इससे क्या होगा, इस एक्सरसाइज से आपके दो बेनिफिट है, बैक बॉडी फैट रिड्यूस होगा, ऑल्सो आपका जो साइड बॉडी फैट है जो आपके स्टमक पे होता है साइड वाला फैट वो भी रिड्यूस होगा, तो आपका दो बेनिफिट है इस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज है उसके लिए आपको फिर से लेटना है और इस तरह से स्ट्रेट रिलैक्स होकर आपको लेटना है, अपने दोनों हैंड्स को सर पे रखना है और पीछे की तरफ आपको जाना है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको रिपीटेडली 3 टाइम करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कोई भी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ आपको 3 टाइम रिपीट करना है, 30 सेकंड्स के लिए आपको रिपीट करना है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हैंड आपको अपर साइड लेना है और पीछे की साइड आपको इसको पुल करना है लाइक दिस। बैक स्ट्रेट रखनी है सो दैट आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रॉपरली ढंग से हो। सो यस, ये आपको करना है इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी दोनों हैंड से रिलेटेड ही है, आपको दोनों हैंड ऐसे ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट करने के बाद आपको पीछे की तरफ पुश करना है। अब पहले हमने इस तरह से किया था, अब हमारी एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से, फ्रंट से बैक साइड, फ्रंट बैक। आपको ये देख रहे हो मेरे एल्बोज भी दोनों मैच, दोनों टच हो रहे हैं, तो ये टच होने चाहिए। तो दोनों हैंड्स ऊपर जाएंगे, एल्बो को पकड़ना है एक हैंड से और इस तरफ अपने राइट साइड उसको बेंड करेंगे, फिर इस हैंड को सेम रिपीटेडली इस साइड करेंगे। ये भी एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट करेंगे बैठे बैठे चिल करके आराम से अपने शोल्डर्स को बैक साइड राउंड शेप में इसको करना है, स्लोली स्लोली अपने शोल्डर्स को। स्क्वीज स्ट्रेच अपने नेक को आप जितना पीछे ले जा सकते हैं वो आपको करना है। That's all it for today, guys. ये एक्सरसाइज मुझे पता है अगर आप लोग करते हैं आपके जो बॉडी फैट है जिससे आप परेशान हैं, जो अच्छा नहीं लगता देखने में, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा फॉर श्योर। आप करके देखिए, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगना है तो यू नो कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपना इस टाइम को जो आप फ्री बैठे रहते हैं फोन में लगे रहते हैं, तो अगर आप अपने बॉडी को अपने स्ट्रक्चर को सही करने में अगर लगते हैं तो ज्यादा बेटर है, आपकी यू नो ब्यूटी को इनहेंस करता है। पोस्चर्स अगर आपके सही हैं और अगर ये जो फैट है ये बहुत गंदा लगता है, चीप लगता है, अलग से अगर आपने कोई फिटिंग का कुछ पहना है ना तो ये शेप अलग ही दिखता है, कहीं से फैट निकल रहा है कहीं से निकल रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता, इट लुक्स डर्टी। तो हो जाता है कभी कभी, किसी किसी के जेनेटिक भी आ जाता है, कभी कभी कोई इतनी ढील दे देता है कि अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देता है। तो अगर आप चाहते हैं आप भी अच्छे लगे और आपकी बॉडी का जो फैट है जो अच्छा नहीं लगता और आप रिड्यूस करना चाहते हैं, ये वाली एक्सरसाइज कीजिए और 3 मंथ्स टू 6 मंथ के बीच में आप खुद रिजल्ट पा सकते हैं। आपका जो फैट है जो गंदा लगता है वो चला जाएगा और आपका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल जैसे और तो नॉर्मल लगेगा और आप में खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब आपका
यू नो ये वाला जब पोस्चर आपका जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा तो आप में खुद आप नोटिस करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप क्रॉप टॉप पहनना चाहे, ब्लाउज पहनना चाहे, कुछ भी पहनेंगे तो आप खुद ही अच्छे लगेंगे। तो यस, आपको ये एक्सरसाइज करनी है। हर कोई चाहता है कि फिट दिखे, अच्छा लगे, तो उसको करने के लिए क्या है, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको एक्सरसाइज करनी है। बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत नॉर्मल है, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको 15 से 20 मिनट्स लगेंगे ये एक्सरसाइज करने में। बस इतने से एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका फैट से आप बाय बाय कर सकते हैं फैट को। तो यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी और अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, हिट द बेल आइकन एंड फॉलो मी, सब्सक्राइब माय चैनल। सो या दैट्स ऑल इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।